तो जुडिशियल प्रोसेस है उसके अगेंस्ट है जजमेंट। हम सड़कों पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम खिलाफ है कि सड़कों पे लड़ो और सुप्रीम कोर्ट से भिड़ो। इस देश में कास्ट प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन होना चाहिए, बाकी की करो ना करो, केवल ब्राह्मण बने या ठाकुर की जनगणना करो, इस देश की आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आश्वासन दे दिया है जो एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि लागू नहीं होगा, तो फिर तो आखिर इतनी बातें क्यों, भारत बंद क्यों? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा आश्वासन दिया है, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? उन्होंने कहा जैसे आरक्षण तो वैसे ही रहेगा, कोई कुछ नहीं होगा उसमें। नहीं, वो ये क्यों नहीं कहते कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले का आरक्षण जो है वो एज इट इज रहेगा? उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने कहा क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। क्रीमी लेयर तो वो वैसे भी लागू नहीं कर सकते, 9 जजों की बेंच का फैसला 7 जजों की बेंच कैसे लागू करवा देगी? तो फैसला लागू नहीं होगा, कैसे लागू करेंगे? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके अगेंस्ट है जजमेंट। पर कहा जाता है जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता वो कानून बन जाता है। पर 9 जजों की बेंच को 7 जजों की बेंच कैसे ओवर रूल करेगी? ये इस मामले में 7 जजों की बेंच, 9 जजों की बेंच, जो इंदिरा सानी का फैसला, इंदिरा सानी का फैसला ये कहता है जो 9 जजों की बेंच थी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकता। बताएं चीफ जस्टिस हमको बताएं कि ये 7 जजों की बेंच कैसे 9 जजों की बेंच का फैसला पलट सकती है? तो जो लड्डू और इसमें भी केवल एक जज ने ये फैसला, जो जजमेंट आया है उसमें एक जज का जजमेंट है कि क्रीमी लेयर लगनी चाहिए, वो बीआर जस्टिस बीआर गवई का, और बाकी 2 लोगों ने कंकर किया उसको। वो तो सजेशन दिया ना कि सर क्रीमी लेयर का, तो लेकिन जो वर्गीकरण का फैसला वो तो लागू होगा ना सर? देखिए, ये पहली बात तो फैसला नहीं है, ये सुझाव है। वर्गीकरण भी सुझाव? हाँ जी, सुझाव है। तो ये कंफ्यूजन क्यों फिर सर? कंफ्यूजन सरकार चाहती है कंफ्यूजन, और आप एक दूसरे में लट बजाओ। तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया इसमें ना? ये सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने सुझाव मांगे सुप्रीम कोर्ट से, मैं इस मामले में सलाह दीजिए क्लासिफिकेशन पर, तो उन्होंने उस पर सुझाव दिए और उसके सुझाव के अलावा उन्होंने 10 चीजें और शामिल कर ली हैं। लेकिन सर जो कानून के जानकार है वो तो कह रहे हैं ये तो कानून बन गया, हर कोई इसको लागू करेगा, हाई कोर्ट भी लागू करेगा, सब कोई लागू करेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम फैसले, ये जो सुझाव है इसके खिलाफ अपील करेंगे, हमने रिट पिटीशन बनाई हुई है, हम फाइल करेंगे इसके खिलाफ अपील करेंगे और सड़कों पे भी लड़ेंगे। मैंने तो पहले ही नहीं कहा था, हम सड़कों पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। सर वर्गीकरण का मामला है तो आप लोग कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो वो कैसे खत्म होगा सर? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि मोदी जी ने जो कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो रिजर्वेशन था वो ऐसे ही रहेगा, तो डॉक्टर अम्बेडकर के रिजर्वेशन में क्या वर्गीकरण था? सर एक आम चर्चा जो है समाज में कि जिन लोगों ने आरक्षण ले लिया अमीर हो गए हैं, करोड़पति हो गए हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आपको यह समझना है कि आरक्षण एक ग्रुप को मिला है, एक समूह को मिला है, और जो व्यक्ति तरक्की कर गया वो अकेला इंडिविजुअल व्यक्ति है। क्या अगर अशोक भारती आईएएस ऑफिसर इंजीनियरिंग सर्विस का ऑफिसर बन गया तो क्या पूरा का पूरा शेड्यूल का इंजीनियरिंग सर्विस में चला गया? मेरे को जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए राम कुमार अगर पार्लियामेंट में चला गया तो क्या पूरा का पूरा शेड्यूल का पार्लियामेंट का मेंबर बन गया? ये बात समझनी है हमें कि ये जो रिजर्वेशन है समाज की बैकवर्डनेस की वजह से मिला है, व्यक्ति की बैकवर्डनेस की वजह से नहीं मिला है। तो लोग फिर इसको अमेरिका योजना क्यों बता रहे हैं कि अमीर होने की योजना आरक्षण जो है? नहीं, वो तो लोग अपना अपना नैरेटिव चला रहे हैं और आप नैरेटिव में फंस रहे हैं। लेकिन सर कांग्रेस शासित राज्य है वहां तो इनको लागू कर दिया है। अब वो लागू कर दिया तो भुगतेंगे वो। लेकिन सर जैसा आपने कहा कि जो लोग संविधान लेकर घूम रहे थे वोट मांग रहे वो भी इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे, कांग्रेस का कोई स्टैंड क्लियर नहीं? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अभी 565 पेज का डॉक्यूमेंट है, उन्होंने पढ़ा नहीं है। हमारे जैसा लोगों ने रात काले नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे तो समाज का हित है, इसलिए हम रात को बैठकर अपने अपने सारे काले किए हमने। ठीक है, अगर हमारे समाज का हित नहीं तो शायद हम भी ना पढ़ते। तो इसलिए मैं समझता हूँ जिनके समाज का हित है उन्होंने पढ़ा है, वो सड़कों पर हैं। भारती जी, लोग कह रहे हैं कि चमार महार पासी मीणा सारा आरक्षण खा गए और अन्य जातियों को नहीं मिला जो अब उनको मिलेगा, तो इसलिए वो लड्डू भी बांटते नहीं। उनको बोलो डेटा रखें, डेटा रखें।
लेकिन सर अभी दलित सांसद को प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, उन्होंने क्रीमी लेयर की बात करी, लेकिन जो अभी नया हाल ही जो फैसला आया है उसमें उन्होंने किसी भी तरीके की बात नहीं की है। वो असल में क्या है कि अभी हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा में आपको पता है हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना है, ये तीन चार राज्य ऐसे हैं जहाँ की दो जातियों के बीच में आपसी जो है अदावत चलती रहती है मुद्दों को लेकर। तो ये चुनाव खत्म हो जाएगा, ये मुद्दा भी खत्म कर देंगे वो लोग। आपका कहने का मतलब है कि चुनावी मुद्दा? एकदम चुनावी मुद्दा है ये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनावी मुद्दे के बिना कुछ नहीं करती। लेकिन सर ये जो आर्गुमेंट हुआ सितंबर में चुनाव डिक्लेयर हुए, अगस्त में पहला फैसला हो गया, अगस्त में फैसला आया, अगस्त में चुनाव डिक्लेयर हो गए। नहीं, फरवरी में आर्गुमेंट हुआ था ना इस मामले पर भाई, ये तो चुनाव की वजह से आया ना आर्गुमेंट लेट। आर्गुमेंट फरवरी में हो गए, अगस्त में फैसला इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चुनाव होने वाला, चुनाव कल डिक्लेयर हो गया ना हरियाणा में। सर आप कह रहे हैं कि मैंने ये फैसला पढ़ा, लेकिन सीनियर वकील कह रहे हैं कि ये फैसला, आप कह रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है वर्गीकरण की, वर्गीकरण कर सकती है सरकार, जो राज्य सरकार है, ये समझ में नहीं आ रहा सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम खिलाफ है। तो क्या हो सकता है सर इसमें? इसका मतलब यही है कि सड़कों पे लड़ो और सुप्रीम कोर्ट से भिड़ो। सर 1975 के बाद से क्लासिफिकेशन हुआ था हरियाणा पंजाब में, तो वो जाति को जिनको अलग से मिला था कोटा, क्या उनकी कुछ आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति में कुछ बदलाव हुए, उठो क्या लगता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखो हमको ये समझना है कि एक सवाल जो सबसे पूछना है, क्या अपॉइंटमेंट चमार करते हैं, क्या अपॉइंटमेंट वाल्मीकि करते हैं, क्या अपॉइंटमेंट दूसरी दलित जातियां करती हैं? सरकारी नौकरियों में अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्या दलित करते हैं? सरकार करती है। अगर मान लीजिए किसी जाति को कम मिल रहा है तो सरकारें क्या भुट्टे भून रही थी? हम सरकार से यही पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे वाल्मीकि भाइयों को कम मिल रहा है तो सरकार भुट्टे कहाँ भून रही थी, तब उसने क्यों नहीं देखा? सरकार तो कह रही है सर जो लोग आए उनको मिला है, दलित बोले तो दलित, एससी बोले तो एससी, उन्होंने तो कभी जाति की बात कही नहीं ना। तो अब बताएं कि आप क्यों कह रहे हो? सर ये जो याचिकाकर्ता है ये भी तो आपके समाज के लोग है ना, आपके बीच के लोग है ना, कोई तो दिक्कत हुई होगी ना सर, देखिए तभी तो ये गए ना कोर्ट में। देखिए क्या होता है कि एग्रीव्ड लोग तो हर जगह रहते हैं, हम व्यक्ति का हित नहीं देखते। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन व्यक्ति का हित नहीं देखता, वो समाज का हित देखता है। हमारे हिसाब से इस देश में कास्ट प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन होना चाहिए। सर ये भी कहा जा रहा है ऑर्डिनेंस लाए सरकार, अध्यादेश लाए इस पर, हमने तो मांग की है, हम तो कह रहे हैं सरकार को इसको जजमेंट को निष्प्रभावी करे, हम तो ये कह ही रहे हैं, मांग ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लासिफिकेशन किया जाए एससी/एसटी में, क्या राज्यों को अधिकार है? थ्री फोर्थ नहीं है, नहीं तो फिर ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? पूछिए, सुप्रीम कोर्ट से पूछिए ना, जाके बीआर गवई से पूछिए, चंद्रचूड़ से पूछिए, पूछिए ना जस्टिस चंद्रचूड़ से, जस्टिस बीआर गवई से, जस्टिस साहब से पूछिए कि क्यों कह रहे हैं सब। आपने कहा तीन लोगों की जनगणना हो जानी चाहिए, तीन जातियों, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण बनिया ठाकुर इनकी जनगणना जरूर होनी चाहिए, बाकी की करो ना करो, केवल ब्राह्मण बनिया ठाकुर की जनगणना करो, इस देश की आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सर 131 एससी/एसटी सांसद है, वो क्यों उठा रहे इस पूरे मैटर को सदन में? पूछिए उनसे जाकर। सड़क पर आएंगे सर 21 तारीख को? 21 तारीख को मेरा सब लोगों से निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से जहां जहां अपनी ताकत दिखा सकते हैं दिखाइए। लेकिन दो अप्रैल को तो खून खराब हुआ था सर। मैं खून खराबे के खिलाफ हूं, वायलेंस के खिलाफ हूं, सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और जो मेमोरेंडम लोगों को जाएगा वो मेमोरेंडम सरकार को दें। किसी बड़े संगठन ने कॉल नहीं दिया सर पूरे इस मामले में, कैसे आएंगे लोग? कोई तो आपको चुनना पड़ेगा किसी को तो। बड़े संगठन कभी कॉल नहीं देते, वो काम करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।